48 देखिए, 144 लाल पेनों के समूह में से 20 बॉल पेन खराब हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए कुल पेनों की संख्या यानी कि कुल परिणामों की संख्या दी हुई है, कुल है ना, परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या यानी जो कुल कलम दिए है ना वो परिणाम कहलाएंगे, कुल परिणामों की संख्या 144 है, ठीक है। इसमें से खराब कलमों की संख्या, खराब कलमों की संख्या या खराब पेनों की संख्या, कलमों की संख्या बराबर दिया गया है 20, ठीक है। तो इसमें से अच्छे पेन क्या होंगे, तो अच्छे कलमों की संख्या, अच्छे कलमों की संख्या कितनी आ जाएगी, तो घटा देंगे, कलमों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, तो घटा देंगे 144 में से किसको, 20 को, ठीक है। तो आ जाएगा 124। पहला क्वेश्चन कह रहा है इसमें, देखिए आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, नूरी वही पेन खरीदना चाहेगी जो अच्छे हों और जो खराब पेन है वो खरीदना नहीं चाहेगी। तो दुकानदार जो है एक पेन को यदीक्षा एक पेन निकाल कर नूरी को देता है, मतलब बिना देखे वो उसको यदीक्षा निकाल के देता है, तो क्या प्रायिकता होगी कि वह इसे खरीदेगी, यानी कि अगर वो अच्छा होगा तभी ना खरीदेगी, ऊपर कह रहा कंडीशन, और अच्छा नहीं होगा तो वो नहीं खरीदेगी। तो यहाँ PE1 बराबर, जब पहले कह रहा है कि वह इसे खरीदेगी, तो खरीदेगी मतलब अच्छा पेन होगा, यानी 124 और बट्टा में टोटल 144, इसको काट देते हैं, 4 से कट जाएगा, 4 3 12, 4 एकम 4, 4 से कटेंगे 36, बार में 31/36। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि वह नहीं खरीदेगी, तो जो खराब पेन होगा उसको नहीं खरीदेगी, तो खराब पेन कितने हैं, तो 20 और बट्टा में 144, 4 से काटिए 4 5 20 और ये 36 बार में, यानी कि 5/36, समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर